Hey people, welcome back to the channel. इनके हमारे पास एक हफ्ता बचा है, उस एक हफ्ते में तीन या चार दिन जो है मुझे अपने डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम करवाना है, बैंक है, बहुत कुछ है जो कि चार साल से रुका हुआ था, वो सब जो है एक्टिवेट करवानी है चीज़ें। तो मुझे हरियाणा में अपना जो टाइम है लास्ट के तीन चार दिन वो बिताने होंगे। उससे पहले मेरे पास अब बचे हैं दो दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना जो मेरे सबसे जगहें जो हैं, जो मेरे दिल के सबसे करीब हैं और जिसको मैं कोरिया में रहकर बहुत मिस करता था, वो है शिमला और सोलन। तो शिमला में मेरी स्कूलिंग हुई है, ऑलमोस्ट 15 से 16 साल मैंने जो है अपने वो शिमला में काटे हैं और सोलन में मैंने 3 साल काटे हैं, अपनी ग्रेजुएशन जो है मेरी सोलन से हुई है। तो मैं जाना तो वैसे दोनों जगहों पर चाहता था, बट टाइम की वजह से और ट्रैवल प्लान भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं कैसे जाऊँगा। हालाँकि मैं चाहता था तुम लोगों को अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी भी दिखाऊँ और वहाँ के कुछ लोगों से भी मिलाऊँ, जो अभी भी मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पर हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या, जैसे मैं अलग हुआ, मैं कोरिया निकल गया, वैसे ही मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं एक एक करके अलग अलग हो गए, कोई बैंगलोर चला गया, कोई पुणे चला गया। तो सबसे मिलना बहुत मुश्किल है, ज़रूरी नहीं है मेरे पास छुट्टियां हैं तो सबके पास छुट्टियां हैं, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। फिर भी मैंने कोशिश किया जिन लोगों से मैं मिल पाऊँ, जो लोग मेरे दिल के करीब हैं मैं उनसे मिलकर जाऊँ। अब इसके बाद पता नहीं मैं वापस कब आऊँगा। ऑलमोस्ट 5 घंटे के सफर के बाद अभी पहुंचा हूँ सुखना लेक और अपनी फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। बहुत नींद लगी हुई है यार, गाड़ी में नींद पूरी नहीं हुई और सुबह से कुछ मिला नहीं है यार खाने पीने को। बड़ा मन कर रहा है कॉफ़ी पीने का, अमेरिकन हो या कुछ मिल जाए, बट कुछ भी नहीं है। अभी वेट कर रहा हूँ फिलहाल अपनी फ्रेंड का, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। ब्लॉग में आना पसंद करेगी? चंडीगढ़ में आ तो गया मैं यार, पर गर्मी इतनी ज्यादा है ना, अब पूछो मत। सामने गन्ने का जूस लगाया, चलो पीते बहुत टाइम होगा पिए हुए। अच्छा, अभी मैं फ़िलहाल अपने फ्रेंड से मिल लिया हूँ ऑलरेडी, जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखी होगी, वो भी कैमरा शायद वो आई नहीं थी कैमरे के आगे, तो उससे अभी मिल के थोड़ा टाइम बिता के अभी अपने दूसरे फ्रेंड से मिलने आया हूँ, सेक्टर 35। मैंने अपनी स्कूल फ्रेंड से मिलना है, वो यहाँ पर IAS की प्रिपरेशन में लगी हुई है, मैं उसको ऑलमोस्ट लाइक 9th क्लास से जानता हूँ। और अभी हम मिलेंगे, फिर उसके बाद लंच करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे शिमला के लिए। हेलो, कैसी है? सो शी इज माई स्कूल फ्रेंड। इसको कब से जानता हूँ? 10th क्लास से, 9th क्लास से, बचपन से। सो दिस इज व्हाट वी आर ईटिंग टुडे। ये क्या है जल्दी बता, ये क्या है? ये मैंने ट्राई नहीं किया कभी, दही भल्ला, अमृतसरी नान। ये और ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, और ये पता नहीं ऐसा लग रहा करेले का जूस है जैसे। हैं मोहितो के मोजितो, लिखा तो मोजितो होता है, बोलते मोहितो है। लग रही है डिसेंट सी ना, अभी जैसे मैं वीडियो बंद करूंगा वैसे ही टूटेगी इसके ऊपर। बोला था ना अभी डिसेंट सी बन रखी है, जैसे कैमरा बंद करूंगा वैसे खत्म कर देंगे। सच में बहुत टेस्टी है, नहीं मतलब तो ऑलवेज हमेशा की तरह टेस्टी ही था। यहाँ पे कुछ लोग देख रहे हैं, देखो अजीब लग रहा है, मेरे को आदत हो गई इस चीज़ की।
और क्या राज कचौड़ी, राज कचौड़ी जिसने खाई है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत टेस्टी, मेरे को बहुत टेस्टी लगी। बाकी अभी ये बचा है अमृतसरी कुलचा, नान, नान नहीं है तो नान भी बोला था बोली बंद कर दो, मैं थोड़ा फोन पी जाऊँगी क्या बोल रही थी दोबारा बोल। स्कूल टाइम में फर्स्ट टाइम फेयरवेल में होस्ट बनाया था, मैंने बनवाया, हाँ तूने बनवाया था, और किसने गवाया था, गाना गवाया था, गाना होता है, मस्ताना है। अच्छा उस गाने की वजह से जो मैंने गाना गाया था फर्स्ट राउंड में बाहर फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया था इसकी वजह से ना, जाने से पहले ना जाने से पहले ना मैंने पांच बार इसको फोन पे सुनाया वो गाना, ये बोलती बहुत अच्छा है मैंने गाना गाया वैसे वैसे पहले राउंड में मुझे बाहर कर दिया गया, पर पहली बार हाँ होस्टिंग मैंने अच्छी की थी शायरी मैंने फर्स्ट टाइम की थी, क्रेडिट लेने आ गई है माता कि स्टेज पे मैंने चढ़ाया शायरी मैंने करवाई है। इधर 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 सामान बहुत बड़ा है उधर, चल बैग को परे कर दे। चले थे वहाँ से सिरसा से और अभी दो बज रहे हैं, चंडीगढ़ में सबसे मिलनी है लेकिन हालत बहुत खस्ता हो गई है, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, मुंह का हाल देखो, धूल धूप गर्मी बहुत ज़्यादा है, बीच बीच में सूरज जो है बादलों के अंदर चला जाता है बट फिर से वैसी गर्मी वैसी की वैसी हो जाती है दोबारा। तो अभी हम निकल रहे हैं शिमला की ओर और यहाँ से ऑलमोस्ट तीन या चार कर घंटे लग जाएंगे ट्रैफिक के हिसाब से, शिमला चार कर घंटे में हम पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम मिलेंगे श्रुति से और उसके बाद मैं जाऊंगा अपने घर और अपने भाई से मिलवाऊंगा और अपना शिमला वाला घर भी दिखाऊंगा। सफ़र जो है वो तय हो गया, सोलन पहुंचने वाले हम लोग, पर बारिश शुरू हो गई है, मेरे को नहीं पता तुम्हें मेरे चश्मे में दिख रही है छोटी छोटी बूंदे या नहीं, तो ऐसा है मैंने करने हैं थोड़े कपड़े चेंज, कहते लुक एट द वेदर, सुबह से एनर्जी जो थी डाउन थी, नींद पड़ी हुई थी, अभी वेदर देख के मूड जो है बहुत तगड़ा हो गया है, तो सुबह भी मैंने जो कपड़े हैं वो मैंने गाड़ी में चेंज किए थे, अभी फिर से गाड़ी में ही कपड़े चेंज करेंगे हम शिमला तो एंटर हो गए पर धुंध की वजह से कुछ नहीं दिख रहा। अभी उतरा हूँ अपने घर वाले एरिया की साइड संजौली में, जिन लोगों को पता है जो शिमला से हैं उनके पता होगा संजौली कहाँ है।